हेलो, वॉइस क्लियर है? चलिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का अपने इस प्यारे से परिवार में स्वागत है। आज बेटा, आज हम आपके लिए आज से एक नई जर्नी और स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपको एडवांस मैथ में ट्रिग्नोमेट्री की विधिवत तरीके से पूरी जानकारी मिलेगी। हाँ, एडवांस मैथ में ट्रिग्नोमेट्री। और बेटा, ये एडवांस मैथ का आपको पूरा सिलेबस है। कौन कौन से चैप्टर हैं? जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एल्जेब्रा, नंबर सिस्टम, मेंसुरेशन एंड दिस लास्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। करेक्ट। स्टार्टिंग करेंगे ट्रिग्नोमेट्री से। इससे पहले हम आपको बता दें कि वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, शेयरिंग लिस्ट आपके ही माध्यम से बढ़ेगी। हाँ, शेयरिंग लिस्ट आपके ही माध्यम से बढ़ेगी। तो बेटा, जितनी भी क्लासेस आपको यूट्यूब में मिलेंगी, सारी की सारी रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगी और फ्री में। एडवांस मैथ आपको बिल्कुल फ्री में पूरी पूरे के पूरे चैप्टर कंप्लीट कराए जाएंगे। एक भी चैप्टर आपका नहीं छोड़ा जाएगा। तो आपका एक कर्तव्य बनता है कि बेटा, इसको शेयर लिस्ट में आप ज़रूर ऐड कीजिए वीडियो को। चलिए स्टार्टिंग करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्री में बेटा आपको बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ाया जाएगा। करेक्ट। तो देखिए क्या लिखा है, ट्रिग्नोमेट्री। अब इस ट्रिग्नोमेट्री में आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट पहले जानने हैं। हाँ, क्लू वर्ड जानने हैं। सबसे पहले क्या लिखा है, क्वेश्चन बेस्ड। हाँ, क्वेश्चन बेस्ड किस पे आधारित है? कुछ आपके बेसिक, हाँ, बेसिक कंसेप्ट पे आधारित है। चलिए देख लेते हैं, क्वेश्चन बेस्ड ऑन बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे। ये सिनेरियो देख के कुछ क्लास 10th की याद आई? आई होप सभी को याद आई होगी। जो मैथ बैकग्राउंड से होगा, सभी को याद आया होगा। चलिए अब हम आपको बताते हैं ये ट्रिग्नोमेट्री की स्टार्टिंग कैसे हुई। हाँ, इसका ओरिजिन क्या है, सारा कुछ आपको बताते हैं। देखिए पढ़ क्या रहे हैं, कौन सा चैप्टर बेटा पढ़ रहे हैं? तो ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री, करेक्ट। अब देखिए यहाँ पे इस ट्रिग्नोमेट्री में बिल्कुल बेसिक से स्टार्टिंग करते हैं। पेशेंस बना के रखना है बेटा, क्योंकि जो मैं चीज़ बताने जा रहा हूँ, ऑलरेडी कई बच्चों को बेसिक पता होगा, और कई बच्चे ऐसे होंगे जो अब इस उनके मन में इच्छा जगी हुई है कि बेटा अब हम भी हाँ कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे और आपके लेवल पे आके आपसे कंपटीशन करेंगे। चलिए, कंपटीशन अकेले करने में मजा नहीं है, सबके साथ में जो मजा है वो कहीं नहीं है। चलिए आप देखिए, जो आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, सबसे पहले तो ये बताइए हमें कि जो आपका ये कोई भी ट्रायंगल होता है, नॉर्मल ट्रायंगल की अगर बात की जाए, तो आपका जो ट्रायंगल होता है इसकी डेफिनेशन क्या होती है, बताइए। तो हम आपको डेफिनेशन बताने जा रहे हैं अगले 5 मिनट के लिए। बिल्कुल आपका माइंड यहीं पर होना चाहिए, तभी आप समझ पाएंगे। चलिए एज्यूम कीजिए कि ये आपका प्लेन सरफेस है। मैंने क्या कहा, एज्यूम कीजिए कि ये आपका प्लेन सरफेस है। करेक्ट। आप देखिए, तीन अलग अलग तीन लाइनों से घिरी आकृति को क्या बोलते हैं, ट्रायंगल। हाँ, क्या बोलते हैं, ट्रायंगल। एक लाइन आपकी ये है, एक लाइन ये है, एंड थर्ड लाइन आपकी ये है। और बेटा जहाँ पे ये इंटरसेक्ट प्रतिच्छेदित करती हैं, हाँ, पॉइंट पे मिलती हैं, उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, इस पॉइंट को बोलते हैं हम वर्टेक्स। क्या? वर्टेक्स। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, वर्टेक्स। इतनी बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। क्या बोलेंगे, वर्टेक्स। इसके बाद ये जो आपके वर्टेक्स होते हैं, इसको आप हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। रैंडमली ए बी एंड सी ले लिया। इसके बाद आप भी जानते हैं कि आप ट्रायंगल बना रहे हैं ना, तो बाकी जो बची हुई लाइन की हाँ एक्स्ट्रा लाइन है, उसको आप एज्यूम नहीं करते हैं, तो इसको आप रफ कर देते हैं। हाँ, डेफिनेशन पढ़ रहे हैं बेटा ना, तीन लाइनों से घिरी बंद आकृति को क्या बोलेंगे, त्रिभुज। हाँ, चलिए इसके बाद जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, इनको बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। और वर्टेक्स को हमेशा आप कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। करेक्ट। इसके बाद इसके सामने की जो साइड होती हैं,
हाँ मैंने क्या कहा, इसके सामने की जो साइड होती है उसको आप हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, नहीं उसको स्मॉल लेटर से डिनोट करना है, ठीक है। कैपिटल लेटर से डिनोट किसको करेंगे, इनके वर्टेक्स को, इनके वर्टेक्स को। कंफ्यूजन क्लियर होगी, वर्टेक्स को कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, इनके सामने की जो साइड होगी उनको हमेशा आप छोटे अक्षरों में स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे। जैसे कि ए के सामने मान लिया मैंने ए साइड, स्मॉल ए छोटू ए, सी के सामने छोटा वाला सी, हाँ बी के सामने छोटू बी, करेक्ट। इसके बाद आ जाइए अपने ट्राइंगल पे, पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। बेटा ये बेसिक आपको पता होना चाहिए। अब ये आपका क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल। इसके बाद राइट एंगल ट्राइंगल में एक कोण बेटा आपका कितने का फिक्स होता है, 90 का, जो कि बात करेक्ट है। वो कौन सा कोण होता है आपको देखेगा, परपेंडिकुलर, ये वाला फिक्स होता है बेटा कितने को होता है, 90 डिग्री का। और इसके वर्टेक्स का क्या, कहाँ पे कौन से वर्टेक्स हो गए, किनको वर्टेक्स बोलेंगे, ये जहाँ पे ये मिल रही है, हाँ इनको क्या कहते हैं बेटा, वर्टेक्स। समझ लिया ना वर्टेक्स। और वर्टेक्स को आप हमेशा आप कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, ये बात समझ में आई। ले लिया ए बी एंड सी। इसके बाद मैंने एज्यूम किया है राइट एंगल ट्रेंगल ए बी सी में, ठीक, जिसमें जो आपका एंगल सी है ये आपका क्या है, थीटा। एंगल सी है ये आपका क्या है, थीटा, करेक्ट। तो कई बच्चों को परेशानी होती है, कठिनाई होती है कि परपेंडिकुलर कौन है, इनको वो भूल जाते हैं। अगर एंगल सीधा लिखा है मतलब कि एंगल की वैल्यू यहाँ पे है तब तो वो सही निकाल लेंगे, अगर एंगल कहीं और कहीं दे दिए जाए तो कई बच्चे भटक जाते हैं, पर हम आपको भटकने नहीं देंगे, ठीक है। चलिए अब बेटा आपको नेक्स्ट स्लाइड में ले चलते हैं। ये बेटा आपका अभी बेसिक था और नेक्स्ट स्लाइड में और बेसिक की जानकारी लेते हैं। बेसिक आपका अगर कंसेप्ट क्लियर होंगे उसके बाद एक्सरसाइज में ढेर सारे क्वेश्चन जिसमें आपकी क्लियरिटी मैनेज होगी। चलिए फिर से आप एक राइट एंगल ट्रायंगल का निर्माण करिए। निर्माण कैसे करेंगे, आपको बनाना ही पड़ेगा, बनाते हैं। चलिए ये बना लिया। इसके बाद ये आपका क्या है, आप बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल, जो कि बात बिल्कुल सत्य है। राइट एंगल ट्रायंगल में एक कोण आपका 90 का फिक्स होता है, ये बात भी आप जानते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। इसके बाद ये इसके जो वर्टेक्स हैं बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए हैं, इनके वर्टेक्स को आप हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, किससे, कैपिटल लेटर से। इसके बाद बात आती है कि कौन सा इसका बेस होता है, कौन परपेंडिकुलर और कौन कर्ण यानी हाइपोटेनस होता है, तो उस पर चर्चा की जाए। देखिए पढ़ क्या रहे हैं, कौन सा चैप्टर, आप बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्री सर, राइट, यहीं पे हैं सभी ना। चलिए और आपके जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है क्लास टेंथ में बोर्ड से जो होंगे, मतलब क्लास टेंथ में जो आपको बोर्ड में बताया गया था, आपके रेशियोज कितने होते हैं, आप बोलेंगे सर रेशियो होते हैं 6। कौन कौन से रेशियोज होते हैं एक बार नाम रिपीट कर लीजिए, आप बोलेंगे सर साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा एंड कॉट थीटा, कुछ 6 रेशियोस होते हैं। बहुत ही अच्छा रिमाइंड कर रहे हैं, प्लस बैक में जाइए। चलिए इतना काम कर लिया। इसके बाद हमने थीटा लिया एंगल सी पे थीटा लिया, करेक्ट। अब रेशियोस के नाम लिख लेते हैं बेटा, रेशियो अपने कौन कौन से होते हैं, हाँ साइन थीटा, ओके कॉस थीटा, टेन थीटा, sec थीटा, cosec थीटा एंड एक और छूट रहा है, उसको भी लिखना चाहिए, पूरा मान जाएगा बेटा वो cot थीटा। ये आपके 6 रेशियोस हैं, करेक्ट। इसके बाद आपने हिंदी मीडियम वाले बच्चों ने कुछ इलेक्ट्रिक पढ़ी होगी और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों ने कुछ इलेक्ट्रिक पढ़ी होगी, जो बाइलिंगुअल होंगे उन्होंने दोनों का कंपाइल करके पढ़ा होगा। चलिए वो क्या है मैं बताना चाह रहा हूँ, क्या पढ़ा था हिंदी मीडियम वाले बच्चे, हाँ मैं लिख दे रहा हूँ हिंदी मीडियम, उन्होंने कुछ ऐसे पढ़ा होगा, देखिए ऐसे
याद कीजिए, थोड़ा फ्लैक्स बैक में जाइए। हाँ, लाल, ओ मेरे लाल बटे कक्का, क्या लाल बटे कक्का, करेक्ट। इसके बाद इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों ने कैसे पिया पढ़ा होगा, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों ने कुछ ऐसे पढ़ा होगा, कैसे पढ़ाते हैं ना, ऐसे ऐसे उन्होंने पढ़ा होगा, पंडित पद्री प्रसाद और हर हर पद्री। रिमाइंड थोड़ा जल्दी से घूमा, फ्लैशबैक में गए। चलिए, ये कुछ आपके क्लू वर्ड थे। अब ये क्लू वर्ड कैसे थे फिर से इनको पहचान लेते हैं बेटा। लाल मतलब एल, मतलब क्या हो गया लंब, दोनों ही लिख देते हैं। एल मतलब हो गया आपका लंब, ठीक है, ये आपका मतलब क्या हो गया एल मतलब लंब, हाँ लंब मतलब एल, करेक्ट। इसके बाद ए का मतलब होता है बेटा आधार, क्या आधार, क्योंकि ए से डिनोट करते हैं। इसके बाद के जो आपका होता है क्या होता है, कर्ण, के होता है आपका कर्ण। ये थी अपने हिंदी मीडियम वाले बच्चों की जानकारी। परपेंडिकुलर बेस हाइपो ये होती है इंग्लिश मीडियम वाले। परपेंडिकुलर मतलब होता है बेटा परपेंडिकुलर, इसकी भी चर्चा कर लेते हैं साथ ही साथ लगे हाथ। परपेंडिकुलर का मतलब होता है ये, ठीक है, परपेंडिकुलर मतलब पी से डिनोट करते हैं। आधार होता था हिंदी मीडियम वाले बच्चों, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बेस, क्या बेस, जिसको बी से संबोधित करते हैं। ये आपका क्या है परपेंडिकुलर, करेक्ट। और एच का मीनिंग हो गया हाइपो, हाँ हाइपोटेनस, करेक्ट हाइपोटेनस। ये बेटा थी थोड़ी बेसिक जानकारी। हाँ अब चलते हैं अपने स्लाइड पे और बहुत ही इमेजिन तरीके से स्मार्ट वर्क करके पढ़ते हैं। चलिए, ये करेक्ट ये था। इसके बाद अगर मैंने एज्यूम किया थीटा आपका एंगल सी पे है, हाँ थीटा एंगल आपका सी पे है, तो यहाँ पे पहचानने में दिक्कत आज से आपको नहीं होगी, बिल्कुल करेक्ट बात है ये। कैसे, देखो राइट एंगल ट्रायंगल में बेटा एक कोण जो आपका होता है 90 का फिक्स होता है। अभी वो कोण कौन सा है आप बोलेंगे, एंगल बी, एंगल बी आपका कितना है 90 का, करेक्ट। और अच्छे से समझना, ध्यान पूरा यहीं पे रहना चाहिए आपका। 90 के सामने जो आपकी रेखा होती है, 90 के सामने जो आपकी रेखा होती है वो हमेशा आपको हाइपोटेनस लेनी है, करेक्ट, वो हमेशा आपको हाइपोटेनस लेनी है। इसके बाद ये देखिए थीटा कहाँ पे है, ठीक है, ये देखिए थीटा कहाँ पे, थीटा देखा आपने एंगल सी पे है, थीटा कहाँ पे है बेटा, आप बोलेंगे सर थीटा जो है मेरा एंगल सी पे है, थीटा जो है आपका कहाँ पे है, एंगल सी पे है, करेक्ट, बहुत बढ़िया। तो देखिए थीटा एंगल जिस रेखा पे सपोर्ट टिका हुआ है उसको आप हमेशा क्या लेंगे, बेस, उसको आप हमेशा क्या लेंगे, बेस मतलब आधार, क्या लेंगे, बेस मतलब आधार। इसके बाद थीटा जिस रेखा के सामने है, एंगल देखिए किस रेखा के सामने है, वो आपकी हमेशा होगी परपेंडिकुलर यानी लंब, हाँ लंब बेटा। और 90 के सामने वाली रेखा हमेशा आपकी होगी हाइपोटेनस, जिसको बोलते हैं बेटा कर्ण, क्या कर्ण। ये बेटा बेसिक जानकारी थी जो आपको पता होनी चाहिए। थीटा पहचाना सीख गए, करेक्ट। इसके बाद इनको संबोधित करने के लिए परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस हाइपोटेनस बेस, मतलब पंडित बद्री प्रसाद हर हर बद्री, इसका मीनिंग क्या हुआ, इसलिए ये लिख लेते हैं, क्लू वर्ड याद करने में आसानी रहती थी बोर्ड में, अब तो हालांकि ऐसे ही याद हो जाते हैं। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो का मतलब होता है साइन थीटा, करेक्ट। पी अपॉन एच मतलब क्या होता है, कॉस थीटा। पी अपॉन बी मतलब होता है टेन थीटा। और साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा, साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा। सारी क्लियरिटी अभी आपको मिलेगी, पहले आप देख लो साइन को संबोधित कैसे करते हैं। साइन थीटा जो आपका होता है
हाँ, सबसे पहले आपको बता दें, ये साइन और थीटा लिखा है, मतलब क्या, साइन और थीटा। इसको आप कभी भी ऐसे एज्यूम मत करना कि ये मतलब ये हो गया कि साइन इंटू थीटा लिखा है। नहीं सर, नहीं, ऐसा मत करना आप। बहुत ही बड़ी गलत जानकारी पे आप जा रहे हैं अगर ऐसा कर रहे हैं। इसका मतलब होता है कि आपने रॉन्ग कर दिया, क्योंकि ये साइन है, इसका प्रोडक्ट है बेटा। प्रोडक्ट मतलब क्या, साथ में लिखेंगे। साइन इंटू थीटा मतलब नहीं हुआ, ये आपका हो जाएगा रॉन्ग। इसका मतलब होता है कि पूरा इससे जुड़ा हुआ है, एडजेसेंट है, इसी का प्रोडक्ट है साइन थीटा। साइन थीटा करेक्ट। और साइन थीटा जो होता है क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। कॉस थीटा जो होता है बेस अपॉन हाइपो। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, टेन थीटा। टेन थीटा होता है अपना पी अपॉन बी, तो इसका रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा, जो कि हो जाएगा बी अपॉन पी। करेक्ट, कॉट थीटा। इसके बाद सेक थीटा। सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस थीटा। हाँ, कॉस थीटा का सेक थीटा रेसिप्रोकल होता है। तो कॉस क्या होता है, बी अपॉन एच, तो ये हो जाएगा एच अपॉन बी, एच अपॉन बी। करेक्ट। कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, आप बोलेंगे साइन थीटा का। हाँ, कॉसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन थीटा। साइन क्या होता है, पी अपॉन एच, तो इसका रेसिप्रोकल है, तो जस्ट इसकी वैल्यू बदल जाएगी एच अपॉन पी। करेक्ट। ये बेटा आपकी कुछ बेसिक जानकारी है जो कि आपको पकड़ते हुए चलना है। इसके बाद ये भी हमने देख लिया, इसमें भी आपको ध्यान देना है। इसके बाद ये दिन और आगे चलते हैं। इसके बाद पता है आपके एक हाइपोटेनस थ्योरम सुनी होगी ना, पाइथागोरस प्रमेय। हाँ, जिसमें आपको पहचानना बताया गया होगा कौन सा आप, मतलब कि हाइपो जो आपको होता है परपेंडिकुलर ऑफ बेस के इक्वल में होता है, कैसे होता है उसको प्रूव भी करते हैं। फिर यहाँ पे पता है एक हाइपो को जो मतलब कि ऐसे होता है, अच्छा बताते हैं आपको। चलो, पाइथागोरस जी आए, यहाँ पे पता है पाइथागोरस जी आए, उन्होंने अपना एक प्रूफ दिया। क्या प्रूफ दिया, कैसे दिया, वही इसी बात पे अभी चर्चा करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भैया अगर आप उन्होंने ये कहा कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है, वह हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के बराबर में इक्वल में होगा। मतलब उन्होंने ये कहा कि हाइपो का जो स्क्वायर है इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल में होगा। इन्होंने यह प्रूफ दिया। करेक्ट, इन्होंने यह प्रूफ दिया। अब देखिए यह प्रूफ कैसे आया, उसको भी देखते हैं। चलो, इसके लिए बेटा आपने हाई स्कूल में ऐसे कुछ कई ट्रायंगल बनाते होंगे, जैसे कि मान लो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया और इसकी वैल्यू दे दी 3 सेंटीमीटर, इसकी वैल्यू दे दी 4 सेंटीमीटर। उसके बाद बोला जाता था कि बेटा हाइपो की वैल्यू आप निकालो। तो बेटा ये जो होते हैं ना 3, 4, यहाँ पे निकल के आ गए, जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे 5, इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं ट्रिपलेट। हाँ, इनको बोलते हैं ट्रिपलेट। करेक्ट। चलो, इनको बोलते हैं ट्रिपलेट। हाँ चलो, अगर हमने थीटा यहाँ पे ले लिया, करेक्ट, तो थीटा देखिए जिस रेखा पे आपके थीटा टिका हुआ है वो आपकी हो जाएगी बेस। थीटा के सामने वाली रेखा हो जाएगी आपकी परपेंडिकुलर, और 90 के सामने वाली रेखा जो कि सबसे बड़ी होती है साइड, वो हो जाएगी आपकी हाइपोटेनस। करेक्ट, हाइपोटेनस। चलिए नेक्स्ट बेटा, पाइथागोरस जी आए, उन्होंने अपना एक प्रूफ दिया था, क्या फिर से याद एक बार याद, उन्होंने ये कहा था कि अगर हाइपो के स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल में होगा, उन्होंने कहा कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के अगर आप ऐड करोगे तो वो हाइपो के स्क्वायर के इक्वल ही निकलेगा, हाइपो के स्क्वायर के इक्वल ही निकलेगा। ठीक है, और कुछ आपको बेसिक ट्रिपलेट पता होने चाहिए, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, वो आपके बेसिक ट्रिपलेट क्या है बेटा, ये आपके जहन में भरे ही होने चाहिए। एक एक करके देख लेते हैं ट्रिपलेट, फिर इनका यूज भी करना बताएंगे, कैसे इनको यूज करेंगे आप। बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट है, अगर इन ट्रिपलेट को आप नहीं याद करेंगे तो आगे आने वाले क्वेश्चन में, आपको पता है जिसमें केवल दो सेकंड लगने चाहिए, उसमें आप लगाएंगे पूरा का पूरा 1 मिनट। करेक्ट, तो यहीं से समझ लिया आपका कितना टाइम टेकन ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ही समय लगेगा, पर हम आपका ऐसा होने नहीं देंगे, स्मार्ट वर्क पढ़ेंगे ना भाई। चलिए,
पहला ट्रिपलेट है आपका 3 4 5, कौन सा 3 4 5। सेकंड आपका 5 12 13, 5 12 13। इसके बाद 7 24 25, नेक्स्ट 8 15 17, नेक्स्ट 9 40 41, नेक्स्ट 11 60 61, नेक्स्ट 12 35 37, 12 35 37, नेक्स्ट आपका 1 1 root 2, 1 1 root 2, नेक्स्ट आपका 1 root 3 और 2, 1 root 3 और 2। अब ये ट्रिपलेट हैं, इनका यूज कैसे करेंगे, कैसे इनका यूटिलाइज करेंगे बेटा, उसी पे चर्चा करने जा रहे हैं। चलिए उसी पे चर्चा करने जा रहे हैं हम। ये आपका क्या है, सबसे छोटा ट्रिपलेट क्या है, ये वाला 3 4 5, छोटा करने का मतलब सबसे इजी होता है। देखो उन्होंने ये कहा कि अगर हाइपो के स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर के इक्वल होगा। एक कंडीशन आपको हम और बता दें कि जो हाइपो होता है आपका, हाइपो वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर, अगर थीटा यहाँ पे लिया तो परपेंडिकुलर और बेस की साइड से हमेशा वह ग्रेटर देन होगी। हाँ हमेशा वह ग्रेटर देन, मतलब परपेंडिकुलर और बेस की साइड आप इंटरचेंज कर सकते हैं आपस में, हाइपो की वैल्यू जो होगी इनसे बड़ी ही होगी, हाइपो की वैल्यू आपकी इनसे बड़ी होगी। अब इसका ऑथेंटिक वे क्या कहने का मतलब है, जस्ट अभी आप समझ पाएंगे। उन्होंने ये कहा पाइथागोरस जी ने कि हाइपो को स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर को स्क्वायर इज इक्वल टू, मतलब कि हाइपो को स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर को स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर के इक्वल होगा। इन्होंने ये प्रूफ दिया, ठीक है। चलो ट्रिपल लेते हैं 3 4 5, ट्रिपल उठाओ आप 3 4 और 5। अच्छा हमने अभी क्या बताया आपको कि जो आपकी हाइपो होती है वह परपेंडिकुलर और बेस से हमेशा ग्रेटर देन बड़ी होगी, तो इसमें से सबसे बड़ी वैल्यू आपको कौन सी दिख रही है, आप बोलेंगे 5 5, आपकी हाइपो रह सकती है, बाकी 3 और 4 बची तो इनमें से आप इंटरचेंज कर सकते हो, परपेंडिकुलर इसको ले सकते हो, बेस इसको ले सकते हो, या बेस इसको ले सकते हो और परपेंडिकुलर इसको ले सकते हो, बेस और परपेंडिकुलर को आप आपस में चेंज कर सकते हैं, पर हाइपो की वैल्यू आपकी सबसे बड़ी रहेगी। अब इसको प्रूफ करते हैं, हाइपो की वैल्यू मतलब 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू आप ले लो 3 या 4, कुछ भी ले लो, आपने माना पहला वाला ये यूज किया, हाइपो परपेंडिकुलर की वैल्यू ली आपने 3 का स्क्वायर, हाँ प्लस बेस आपका है 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 25 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर होता है आपका 9 प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 16 16, एज इट इज लिख लो लेफ्ट हैंड साइड 25 इज इक्वल टू, अब जब इसमें इसको आप ऐड करेंगे 16 9 को तो आ जाएगा 5 25, 25 इज इक्वल टू 25, दोनों आपकी बैलेंस हो गई लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, मतलब कि इनका कहना सही है। और आप बेटा आपका होमवर्क में ये है कि इन सारे ट्रिपलेट्स को एक बार, बेसिक पढ़ रहे हैं आप, इन सारे ट्रिपलेट को एक बार चेक करिए और इस माध्यम से, इस फार्मूले के माध्यम से, ये आपका होमवर्क में है। इसके बाद बात ये आती है कि क्या सर हम केवल इतने ही ट्रिपलेट याद करें मेरा काम चल जाएगा, और हम कह रहे हैं यस, इतने ट्रिपलेट से आपका काफ़ी कुछ काम हो जाएगा। कैसे, देखिए ये कितने का ट्रिपलेट है, कौन सा ट्रिपलेट 3 4 5, अगर इसी ट्रिपलेट में सभी संख्या में मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आप एक नए ट्रिपलेट का निर्माण कर सकते हैं। कैसे, देखिए 3 में 2 का मल्टीप्लाई कराओ कितना हो जाएगा 6, करेक्ट, 4 में 2 का मल्टीप्लाई कराओ कितना हो जाएगा 8, गुणा मतलब 5 में 2 का गुणा कराओ कितना हो जाएगा 10। देखिए आपने एक और ट्रिपलेट का निर्माण कर दिया। इसके बाद आपने कहा नहीं, अब इस बार हम किसका, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे, तो देखिए एक ट्रिपलेट और जनरेट हो जाएगा, 3 का 3 में मल्टीप्लाई का कितना हो जाएगा 9 12 और 15। देखिए तो ये कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इसमें किसी रूट वाली संख्या का मल्टीप्लाई कराओगे तो और ट्रिपलेट निकल आएगा, करेक्ट। तो कहने का मतलब ये हुआ इन कुछ चुनिंदा इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट से आप असंख्य ट्रिपलेट का निर्माण कर सकते हैं, आप खुद ही ट्रिपलेट बना सकते हैं, करेक्ट। तो ये कुछ बेसिक ट्रिपलेट थे जो बेटा आपकी जहन में एकदम बिल्कुल, कहीं भी स्टडी टेबल कहीं भी पढ़ रहे हैं आप, जितने दिन ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर चले आप स्लाइड बना के चिपका लीजिए, हाँ मोहर लगा दीजिए, करेक्ट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। हमने क्या बताया था,
कुछ इंपॉर्टेंट क्लू वर्ड, ये किस कौन किसके रेसिप्रोकल में होता है ये आपको मैंने बताया था, फिर भी देख लेते हैं। साइन जो होता है आपका साइन थीटा किसके रेसिप्रोकल में होता है, ऐसे साइन थीटा जो होता है अपना वन अपॉन कॉसेक थीटा के इक्वल में होता है। एज ए सिमिलरली ठीक इसी प्रकार कॉसेक थीटा इसका रिवर्स होता है ना, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाए, वन अपॉन साइन थीटा। ये बात समझ में आई, करेक्ट। इसके बाद नीचे इसमें आइए, कॉस थीटा जो होता है वन अपॉन सेक थीटा होता है रेसिप्रोकल इसका, तो इसी प्रकार सेक थीटा किसके इक्वल में हो जाएगा, वन अपॉन कॉस थीटा के इक्वल में, करेक्ट। थर्ड आप देखिए, जो टेन थीटा होता है ये किसके रेसिप्रोकल में हो जाएगा, इज इक्वल टू वन अपॉन कॉट थीटा के इक्वल में, और कॉट थीटा किसके इक्वल में हो जाएगा, वन अपॉन टेन थीटा के इक्वल में, करेक्ट करेक्ट। और एक दो चीज और आपको यहाँ पे याद कर लेनी है, हम अभी आपको लिखा दे रहे हैं, जो आपका टेन थीटा होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, करेक्ट। इसके बाद टेन का रेसिप्रोकल क्या होता था, आप बोलेंगे कॉट थीटा, तो जाहिर सी बात है भाई ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, करेक्ट, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। आप कहेंगे ये सर कैसे हो गया, चलो इसको प्रूव भी कर लेते हैं। देखिए देखिए आपने क्या लिखा था, जो आपका साइन थीटा होता है, साइन थीटा क्या होता है आपने पढ़ा था, आप इसको प्रूव करें, साइन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। देखिए ना यहाँ पे, अरे भाई देखिए देखिए थोड़ा टिक टिक, देखिए पर पंडित बद्री प्रसाद और हर हर बद्री या बोले, ये क्लू वर्ड है बेटा याद करने के लिए, हमने अपने टाइम पे ऐसे ही याद किया था, आपने कोई किसी और मेथड से याद किया हो तो और अच्छी बात है, कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें, ठीक है। चलिए पी अपॉन एच ये साइन का होता है, बी अपॉन एच ये होता है कॉस का, पी अपॉन बी होता है टेन का। अब इसका जस्ट रेसिप्रोकल तो आपने जस्ट ये देख ही लिया, करेक्ट। चलिए साइन होता है अपना पी अपॉन एच अपॉन, कॉस होता है अपना क्या, बी अपॉन एच, बी अपॉन एच। तो देखिए यहाँ से बेटा कंक्लूजन क्या निकल के आया, ये निकल के आया कि देखो हाइपो से हाइपो कट गया, तो बचा क्या पी अपॉन बी, पी अपॉन बी, और फाइनली टेन होता है क्या अपना, पी अपॉन बी तो होता है पी अपॉन बी, करेक्ट। इसलिए बेटा ये बेसिक चीज अभी आपको याद रखनी है। एज अ सिमिलरली इसका रेसिप्रोकल होता है, तो ये बी ऊपर हो जाएगा और पी नीचे हो जाएगा, प्रूफ इसको भी कर लेते हैं। कॉस जो होता है अपना क्या होता है, कॉस थीटा जो होता है अपना क्या होता है, बी अपॉन एच, और साइन थीटा होता है अपना, कॉस थीटा होता है, सही से लिखिए, कॉस थीटा अपना होता है पी अपॉन एच, करेक्ट। इसके बाद साइन थीटा क्या होता है, पी अपॉन एच, पी अपॉन एच। तो देखिए यहाँ से एच खत्म, तो बी अपॉन पी इक्वल आ रहा, इसीलिए बेटा टेन थीटा जो होगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, करेक्ट। और टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, या तो आप ऐसे भी कह सकते हैं, रेसिप्रोकल होता है तो कॉस अपॉन साइन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे बेटा, नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड पे। अब आपको देखिए कौन सा क्वेश्चन है, सबसे पहला ही क्वेश्चन किसका है, SSC CPO। चलिए इसको कराने से पहले और कुछ बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा ना, और कुछ बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं, और आप लेवल देखेंगे कैसे कैसे आपका लेवल बढ़ जाएगा और आपको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने, हाँ ये मैंने आपको एक ट्रायंगल दिया, करेक्ट, इसमें से मैंने कह दिया बेटा, हाँ मैंने कह दिया ट्रायंगल ए बी और सी, जो आपका ए है ये आपका थीटा है, करेक्ट, और ये आपका थीटा जहाँ पे है, पहचाना सीख गया ना, थीटा जहाँ पे है वो आप थीटा जिस रेखा पे टिका हुआ है वो आपकी क्या हो जाएगी, बेस, क्या हो जाएगी, बेस, करेक्ट, क्या हो जाएगी, बेस, और थीटा के सामने वाली रेखा हो जाएगी आपकी परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाली रेखा हो जाएगी आपकी, आप बोलेंगे हाइपो। ये बेसिक सबको समझ में आया, कोई दिक्कत यहाँ तक इस पॉइंट पे, करेक्ट। अब हमने कह दिया कि ये जो आपका बेस है इसकी वैल्यू हमने दे दी आपकी 3, और ये परपेंडिकुलर इसकी वैल्यू दे दी हमने 4, तो हमें हाइपो की वैल्यू आप बताइए, इसको बेसिक से पहले करके देखते हैं। तो आप याद कीजिए बोर्ड परीक्षा में जब आप थे तो कैसे करते थे, आप पाइथागोरस प्रमेय जी का थ्योरम लगाते थे, क्या होती थी, हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू
परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, करेक्ट। तो देखिए यहाँ से आपको हाइपो की वैल्यू निकालनी है, तो उसको आप एज इट इज रखिए। हाँ, हाइपो की वैल्यू यूजिंग कौन क्या कर रहे हैं, पाइथागोरस प्रमेय। हाइपो की वैल्यू आपको निकालनी है, उसको आप एज इट इज रखिए। हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है आपकी 4, 4 का स्क्वायर प्लस बी मतलब बेस, बेस की वैल्यू क्या है बोलेंगे 3, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। तो देखिए हाइपो का स्क्वायर आप एज इट इज रख लेंगे क्योंकि इसको बेटा फाइंड करना है। 4 का स्क्वायर आपका होता है 16 प्लस 3 का स्क्वायर होता है आपका 9, 3 का स्क्वायर होता है 9। अब बेटा देखो हाइपो स्क्वायर एज इट इज रखिए, इनको जब आप ऐड करेंगे, जब इसको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 25। और आपको ही पता है यहाँ पे हाइपो एच की वैल्यू निकालनी ना कि एच स्क्वायर की। तो बेटा स्क्वायर को आपको कट करने के लिए क्या करना पड़ता है, हाँ दोनों साइड रूट, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे क्या करना पड़ेगा रूट। तो आपको पता है जैसे कि लिखा है एच स्क्वायर, अगर जब आप इसमें बेटा रूट कर देंगे, हाँ इस पे रूट कर देंगे तो रूट से स्क्वायर आपका खत्म हो जाता है। ये बात बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पता है क्योंकि जब गुणा में घाते जो होती हैं आपकी क्या होती हैं, जुड़ती हैं। रूट कहने का मतलब ये होता है, रूट रूट का मतलब ये होता है जैसे कि लिखा 2 मतलब इसकी पावर आधी। ये दो देखिए आपको ये बेसिक बता देते हैं, चलिए आप बताइए 2 इज इक्वल टू रूट 2 इंटू रूट 2, ये आपस में दोनों बैलेंस हैं या नहीं बताइए। चलिए इनको प्रूफ करते हैं, सबसे पहले तो इसको बेसिक देखो, बेसिक हम आपका स्ट्रॉन्ग बना देंगे बेटा, ठीक है। देखो किसी की पावर में, किसी की वैल्यू में, किस कोई भी नंबर में अगर रूट लगाए तो वो अपने आप में आधा है। चलिए हाँ यहाँ से देखते हैं, रूट का मतलब होता है अपने आप में वैल्यू कितनी है, हाफ, करेक्ट। अपने आप में वैल्यू कितनी है, हाफ। तो देखिए 2 इंटू 2 मतलब क्या, गुणा में घाते जो होती हैं आपकी बेटा क्या होती हैं, गुणा में घाते आपकी जुड़ती हैं, गुणा में घाते जुड़ती हैं, करेक्ट, गुणा में घाते जुड़ती हैं। एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा आपका 2, एलसीएम आपका एज इट इज है दोनों साइड मतलब ये भी और ये भी, तो कितना ऐसे भी कह सकते हैं आधा आधा बेटा 1 होता है, तो कट के कितना आ जाएगा फाइनली 1। कोई जीरो मत ले लेना ऐसे किसी संख्या को, मतलब ये 2/2 काटा तो कोई कोई जीरो ले लेता है भाई, नहीं रॉन्ग हो गया, हाँ 1/1 आता है एज इट इज, क्या लिखते हैं इसको 1, करेक्ट। ये बेटा आपकी बेसिक बात थी, ये आपकी बेसिक बात थी। तो आधा और आधा मतलब दोनों क्या हो गए 2 मतलब बैलेंस हो गए बेटा, ये दोनों बैलेंस है, ये थी आपकी बेसिक बात, करेक्ट। चलिए आप देखिए स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड मतलब रूट कर देंगे दोनों साइड, तो इधर से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो h की वैल्यू h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अंडर रूट 5। और बेटा आपको 1 से लेके 30 तक स्क्वायर रूट याद ही होने चाहिए अगर आपको मैथ स्ट्रॉन्ग करनी है। इसके बाद 1 से 30 तक आपको क्यूब रूट भी याद होने चाहिए। आपको कभी बताएंगे हम ट्रिक के माध्यम से, हाँ ट्रिक के माध्यम से स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट को याद करने का तरीका, कितना भी बड़ा हो, हम कह रहे हैं कि अंडर रूट कितना भी बड़ा हो, कितना भी बड़ा हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, सबका बताएंगे हम, हाँ स्क्वायर रूट हाँ और क्यूब रूट। और 1 से लेके 30 तक टेबल भी आपको कंठस्थ होनी चाहिए मतलब याद होनी चाहिए, हाँ पॉइंट पे होनी चाहिए। तो अंडर रूट 25 का रूट क्या हो जाएगा आप बोलेंगे 5, क्या 5। तो h की वैल्यू कितनी आ गई, आपने यहाँ से h की वैल्यू फाइंड कर ली 5, हाइपो क्या हो गया 5। और देखिए 3, 4, 5 का ट्रिपलेट होता है, करेक्ट। अगर आपको ट्रिपलेट पता होता तो इस कंडीशन में आप ये बेसिक ना करते, डायरेक्ट वैल्यू क्या देते 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कंक्लूजन एक और हम बताना चाहते हैं, अभी आपको 2 वैल्यू दी गई थी तब तीसरी वैल्यू निकालनी थी, तब आप यूज करते थे पाइथागोरस प्रमेय का, करेक्ट यहाँ पे ना। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड में और इंटरेस्टिंग होगा, और इंटरेस्टिंग होगा, इंटरेस्ट पे भाई सभी फिदा है, इंटरेस्ट ही नहीं तो किसी काम करने का मन ही नहीं करेगा, और जब काम करने का मन नहीं करेगा तो चीज़ें समझ नहीं पाओगे, हाँ तो आपका समय की बर्बादी होगी। ले लिया वर्टेक्स को, ले लिया ए बी एंड सी,
राइट, ये आपका 90 डिग्री ट्रेंगल है। अगर मैंने यहाँ पे केवल और केवल थीटा, हमने केवल यहाँ ले लिया थीटा, पहले तो यहाँ लिया, इसके बाद केवल मैंने बेस की वैल्यू थीटा पहचाना आगे बेटा ना, थीटा जिस रेखा पे टिका है वो आपकी क्या होगी, बेस। थीटा के सामने वाली रेखा आपकी परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाली रेखा जो कि सबसे बड़ी होती है, किससे किससे, परपेंडिकुलर और बेस से। क्यों बड़ी होती है, देखिए अभी देखिए, ये आप ट्रेंगल बनाइए, ठीक है, ये आपका राइट एंगल ट्रेंगल है। जैसे जैसे इनका इंक्लाइनेशन झुकाओ, हाँ जैसे जैसे इनका इंक्लाइनेशन झुकाओ बढ़ता हुआ चला जाएगा, हमने कहा ये लेके आप और नीचे जाइए, इसको नीचे और ले जाइए, और जैसे जैसे इसका इंक्लाइनेशन बढ़ेगा इसके सामने की थीटा की वैल्यू भी बढ़ती चली जाएगी ना, करेक्ट, इस प्रकार बेटा। तो चलिए, थीटा जिस रेखा पर जुड़ा है वो आपकी हो गया बेस, और मैंने केवल बेस की वैल्यू दे दी आपको 4, तब आप बताइए मुझे परपेंडिकुलर की वैल्यू भी बताइए और हाइपो की वैल्यू, दोनों की वैल्यू बताइए। अब बेटा यहाँ पे तो आप फेल हो गए, पाइथागोरस प्रमेय भी नहीं लग पाएगी। पाइथागोरस प्रमेय वहां पे आप लगा पाएंगे जब आपको कोई भी दो साइडों की वैल्यू आपको दी गई होगी और थ्री साइड की वैल्यू आपको गिवन करनी होगी, वहां आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। अब यहाँ पे बेटा कैसे लगा पाएंगे, हाँ अगर किसी दोनों को एक्स मानेंगे या एक्स वाई मानेंगे तो भी बहुत ही लंबा जाएगा, अन्यथा आप सॉल्व करने में असमर्थ हो जाएंगे। तो इसीलिए मैंने कुछ ट्रिपलेट आपको लिखा है ना, सबसे बड़ी वाली साइड आपकी 5 होनी चाहिए, जो कि 5 और ये ऑलरेडी 4 है, 3, 4, 5 के ट्रिपलेट ऐसे ही आपको निकालने हैं इसी स्पीड में, करेक्ट। तो आपको कुछ ट्रायंगल दे रहे हैं, उसमें आप बताइए ट्रिपलेट यूज कैसे करेंगे आप, करेक्ट। तो चलिए, कुछ आपको बेसिक ट्रायंगल दे रहे हैं, आप बताइए किसकी वैल्यू क्या होगी। अब आप कुछ बेसिक ट्रायंगल दे रहे हैं हम, रॉन्ग किसी का नहीं होना चाहिए भाई, हाँ चलिए आप बताइए, मैंने इस ट्रायंगल में दे दी इसकी वैल्यू 13, हाँ 61, ठीक दे दी मैंने यहाँ पे 3, इसके बाद यहाँ पे दे दिया मैंने 2। अब बताइए, मैंने एक ट्रेंगल लिया, एक क्या मतलब काफ़ी सारे ट्रेंगल ले लिए, इसके बाद केवल एक एक साइड आपको गिवन है, हाँ इसकी वैल्यू भी दे दो एक कोई, बाकी दो साइडों का वैल्यू आपको निकाल के बताना जल्दी से कैसे लगा पाएंगे। यहाँ पे ना तो आप पाइथागोरस प्रमेय जी का थ्योरम यूज कर पाएंगे, वहाँ पे आप हो जाएंगे फेल, हाँ सारा समय हो जाएगा आपका व्यर्थ। तो बताइए कैसे वैल्यू निकाल पाएंगे आप, देखिए ना यहाँ पे कैसे वैल्यू निकाल पाएंगे, देखिए एक ट्रिपलेट याद कीजिए 5, 12, 13, फिर से एक बार ट्रिपलेट पे गौर दे लेते हैं फिर आप कर पाएंगे। ट्रिपलेट कहाँ गए, ये हैं अपने, देखिए 3, 4, 5, 5, 12, 13 स्पीड में एक बार देख लेते हैं, 7, 24, 25, 8, 15, 17, 9, 40, 41, 11, 60, 61, 12, 35, 37, 1, 1, √2, 1, √3 और 2। चलिए फ्लैशबैक में जाना बहुत ज़रूरी होता है, कभी कभी चीज़ें समझने के लिए अतीत में जाना ही पड़ता है। चलिए 5, 12 और 13, क्योंकि 13 आपकी फिक्स है हाइपो वाली बड़ी साइड, तो 5, 12, 13 ले सकते हैं आप, आपका मन है, हाँ परपेंडिकुलर बेस को आप इंटरचेंज कर सकते हैं आपस में, करेक्ट, इससे तो कन्फ्यूजन नहीं है। आप इसको 5 ले सकते हैं, इसको 12 ले सकते हैं, या इसको 12 इसको 5 ले सकते हैं, करेक्ट। चलो 13, 60 और 61, हाँ 13, 60, 61 करेक्ट यूज हो गया। 1, 1, √2, 1, 1, √2 आईपो आपकी दो बड़ी है अंडर रूट टू वन से ना, करेक्ट। 3, 4 और 5 करेक्ट। 8, 15 और बेटा 17 करेक्ट। 1, √3 और 2 हो गया ना। चलिए एक बार और आपको देते हैं, चलो देते क्या, अब आपको यहाँ पे कंडीशन हम पूछेंगे, ठीक है। ये वन क्लास जो है आपकी, ये पहली क्लास, ये आपके लिए केवल बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इसके बाद कंसेप्ट क्लियर एंड एक्सरसाइज में ढेर सारे क्वेश्चन जिसमें आपने जितना कुछ पढ़ा कंसेप्ट सारा क्लियरिटी हो जाएगी बहुत ही अच्छे तरीके से आसान वे में, करेक्ट। चलिए
यह मैंने कह दिया आपका 90 डिग्री है, करेक्ट। इसके बाद मैंने कह दिया ये आपका थीटा है, और वैल्यू दे दी मैंने यहाँ पे 3, ठीक है, और ये दे दी 4। तब आप मुझे हाइपो की वैल्यू निकाल के बताइए। इसके बाद मैंने कह दिया आपको निकालना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है। सेकंड कंडीशन है आपकी टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। थर्ड कंडीशन हमने दे दी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। फोर्थ कंडीशन दी थी मैंने साइन थीटा प्लस टू कॉस थीटा। चलिए सबसे पहले तो आप इसको सॉल्व करने का तरीका देखिए। अब आपको पाइथागोरस प्रमेय का थ्योरम का यूज नहीं करना है। 3, 4 तो हाइपो आपकी क्या हो जाएगी, 5, करेक्ट। साइन थीटा आपका क्या होता है, साइन थीटा जो होता है आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। ये देखिए पंडित बद्री प्रसाद और हर हर बद्री, करेक्ट, ये क्लू वर्ड थे। साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन एच, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है आपकी 4, एच की वैल्यू कितनी है आपकी 5, करेक्ट। इसके बाद कॉस थीटा आपका क्या होता है, बी अपॉन एच, करेक्ट। बी की वैल्यू कितनी है आपकी 3, एच की वैल्यू आपकी 5, करेक्ट। इसके बाद टेन थीटा आपका क्या होता है, पी अपॉन बी। पी की वैल्यू कितनी है, पी की वैल्यू आपकी 4, हाँ 4, बी की वैल्यू आपकी 3। अब क्या करें, इन वैल्यू को क्या करें, अब इन वैल्यू का यूज करना है भाई, इन वैल्यूज का यूज करना है जो आपकी ये कंडीशन दी गई है। चलिए कंडीशन को सॉल्व करते हैं। क्या दिया गया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। साइन आपका क्या होता है, P/H, करेक्ट, P/H, प्लस कॉस होता है आपका B/H, करेक्ट बेटा। अब बेटा इसकी वैल्यू रख दो, इसकी जब आप वैल्यू रखोगे यहाँ पे, P की वैल्यू क्या है, हाँ साइन थीटा की वैल्यू क्या है 4/5, तो डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हैं ना साइन थीटा की वैल्यू वहाँ से निकाल ही चुके हैं। चलिए समझाने के लिए फिर से समझा दिया था, साइन थीटा आपका 4/5 और प्लस कॉस थीटा आपका क्या है, कॉस थीटा आपका 3/5 है ना, कॉस थीटा 3/5। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, एलसीएम लेना तो आता ही, दोनों आपके एलसीएम इक्वल हैं, नीचे हो जाएगा आपका 5 और 4/3 हो जाएगा आपका 7, 5/4 आंसर आ जाएगा, करेक्ट। चलिए इस पे आते हैं, 10² थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, हाँ, और देखिए 10 का रेसिप्रोकल क्या होता है बेटा, कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगी आपस में ना वैल्यू, 3/4 हो जाएगा। 10 थीटा की वैल्यू है आपकी 4/3, अपर देखिए 4/3 का आपको स्क्वायर करना है, 4/3 का आपको क्या करना है, स्क्वायर, प्लस कॉट थीटा क्या है, जस्ट इसका रेसिप्रोकल 3/4। अब बेटा इसको आप सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर होता है आपका 16/9 प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। अब जब बेटा इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, करेक्ट। इसी प्रकार सॉल्व करने के लिए होमवर्क में वो आपका, इसी प्रकार आप साइन थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए साइन थीटा की वैल्यू क्या थी, 4/5, इनके दोनों का स्क्वायर करना है आपको, प्लस कॉस स्क्वायर, कॉस की वैल्यू क्या थी आपकी, देखिए यहाँ पे 3/5, दोनों को क्या करना है, स्क्वायर। सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा, सारा कुछ होमवर्क में आपको सॉल्व करना है। इसके बाद देखिए साइन थीटा प्लस 2 cos थीटा, साइन की वैल्यू क्या है आपकी, आप बोलेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, 4/5 प्लस 2 into कॉस की वैल्यू क्या है, कॉस की वैल्यू आप देखें 3/5। एक स्टेप इसकी सॉल्व कर देते हैं, बाकी आप सॉल्व करेंगे, ये एज इट इज रखिए आप, न्यूमरेटर और डिनोमेटर 4/5 प्लस इंटू ऊपर वाले का होगा ना बेटा, इसका हो जाएगा 6/5
6/5, ये आपका होमवर्क में आप सॉल्व करेंगे और सारी की वैल्यू आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका एक लास्ट क्वेश्चन और दे देते हैं, इसमें आपकी सारी क्लैरिटी हो जाएगी। इसको क्वेश्चन करने से पहले एक कंसेप्ट और आपको सिखा दें। मैंने कहा कि यहाँ पे ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, करेक्ट। अब मैंने कह दिया कि इसके वर्टेक्स को नाम दे दिया मैंने ए, बी और सी, करेक्ट। इसके बाद मैंने ये कह दिया, ये वैल्यू है आपकी 3 और ये 5, इसकी वैल्यू आप पहले निकाल के बताइए क्या होगी। तो देखिए 3, 4, 5 का ट्रिपलेट यूज कीजिए ना, 3, 4, 5 का ट्रिपलेट, तो ये हो जाएगी वैल्यू आपकी 4, करेक्ट। इसके बाद आपको कुछ कंडीशन दे रहे हैं हम, कंडीशन हम आपको ये दे रहे हैं कि पहली कंडीशन है आपकी साइन थीटा साइन ए प्लस साइन ए प्लस, नहीं पहले हम दे रहे हैं आपको साइन सी प्लस कॉस सी, इसकी वैल्यू बताइए आप पहले। देखो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। चलो साइन आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर, साइन होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, प्लस कॉस होता है आपका बेस अपॉन हाइपो। तो सॉल्व करिए, पी की वैल्यू है आपकी क्या, हाँ हाइपो, देखो आपको दोनों जगह कॉमन है, ठीक है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी डायरेक्ट आपको स्मार्ट तरीके से सॉल्व करिए ना, 5 ही आएगी ना, एलसीएम लेंगे 5। इसके बाद ऐसे बेटा देखो इसका एलसीएम लो कितना आ जाएगा एच, इसके न्यूमरेटर में क्या रहेगा पी प्लस बी, पी प्लस बी। आज जब इसकी फाइनल वैल्यू आप निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, पी है आपका 4 और बी है आपका बेटा 3, 4 और 3 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 7 और एच की वैल्यू है आपकी 5, 7/5, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कंडीशन आपको हम दे रहे हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हो सकता है कि कई बच्चों से गलत होने के चांस हो, ठीक है। चलो अगर ध्यान से करेंगे तो गलत नहीं होगा, जैसे कि मैंने किया साइन सी प्लस साइन सी प्लस कॉस कॉस ए कॉस ए, इसको सॉल्व कीजिए आप, इसको सॉल्व कीजिए। सबसे पहले तो सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, देखो गलत ना हो इसलिए मैं पहले बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको देख रहा है कौन सा एंगल दिया गया है, देखिए यहाँ पे साइन सी की वैल्यू की बात की गई है, यहाँ पे कॉस ए एंगल की बात की गई है, ठीक है। देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से आप समझ पाएंगे, साइन सी मतलब ये वाला एंगल और कॉस ए मतलब ये वाले एंगल, हाँ आप देखिए जब साइन सी और जब साइन सी के अकॉर्डिंग आएंगे तो आपका बेस क्या हो जाएगा ये और हाइपो क्या हो जाएगा आपकी ये और परपेंडिकुलर आपकी ये हो जाएगी, करेक्ट। और बेटा इसके बाद जब आप कॉस ए एंगल ए के पास पहुंचेंगे तो एंगल ए किस रेखा पे टिका, इस रेखा पे, तो ये आपकी हो जाएगी बेस और इसके सामने वाली हो जाएगी परपेंडिकुलर, करेक्ट। तो इन छोटी छोटी बातों का आपको बहुत ही रोल होगा जो कि आपको हर एक पॉइंट पे देखना है कैसे पूछा गया, किस अकॉर्डिंग में पूछा गया, ये बहुत देखना जरूरी है। क्वेश्चन तो देखो सभी सॉल्व कर लेते हैं पर पता नहीं होता ना कि आपने रॉन्ग कर दिया जल्दी जल्दी वजह से। चलो साइन सी एंगल सी के पास पहले पहुंचो और देखो एंगल सी के अकॉर्डिंग आपका परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, इस रेखा पे टिका है तो बेस आपका ये हो जाएगा, तो साइन सी की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, हाँ 4/5 करेक्ट प्लस 4/5 करेक्ट प्लस कॉस ए। अब एंगल ए के पास बेटा पहुंचिए तभी आपका राइट होगा, अगर किसी बच्चे ने सी के अकॉर्डिंग आंसर दे दिया तो वो हो जाएगा रॉन्ग, करेक्ट। चलिए एंगल ए के पास पहुंचिए और कॉस होता है क्या अपना बेस अपॉन हाइपो, तो बेस अपॉन क्या हो जाएगा, एंगल ए किस पे टिका है आप बोलेंगे ये इस पे, तो 4/ हाइपो क्या हो जाएगा आपका 5। एलसीएम लीजिए बेटा, प्यारे तरीके से आंसर निकल आएगा आपका 8/5 बहुत ही आसान वे में, करेक्ट। एक क्वेश्चन आपको हम होमवर्क में दे रहे हैं, करेक्ट, जो कि आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए मैंने दिया सेकंड कंडीशन आपको, यहाँ पे दिया आपको साइन सी प्लस साइन ए प्लस कॉस ए प्लस कॉस सी,
इसकी वैल्यू आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है, करेक्ट। इसकी वैल्यू आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है, कहाँ पे? कमेंट बॉक्स में मैसेज के थ्रू आपको मुझको बताना है, करेक्ट। बाकी बेटा आपका अच्छा सा माहौल है, तो देखिए अच्छा सा माहौल है तो यहाँ पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए किस में आया है, पहले क्वेश्चन की स्टार्टिंग है आपकी किस क्वेश्चन, किस लेवल से हो रही है, देखिए एसएससी सीपीओ, हाँ रिलेवेंट आया हुआ क्वेश्चन है 3/10/2023 में, वो भी शिफ्ट वन में, ठीक है। देखिए कितने इजी क्वेश्चन आते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या दिया गया, 10A फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाँ आराम से सॉल्व करते हैं। 10A की वैल्यू क्या दी गई है, 4/3। 10A की वैल्यू क्या दी गई है, 4/3। ट्रायंगल बनाइए आप, करेक्ट। इसके बाद 10 होता है क्या, आप बोलेंगे 10 जो होता है अपना P/B होता है, करेक्ट। तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल में 4, P की वैल्यू हो जाएगी 4 और B की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3। तो इसकी वैल्यू आप आसान वे में निकाल सकते हैं, कैसे, पाइथागोरस प्रमेय का यूज नहीं करना आपको, आपको ट्रिपलेट याद है ना बेटा, 3, 4 तो ये हो जाएगा आपका 5, जाहिर सी बात है ट्रिपलेट यूज हो रहा है। इसके बाद फाइंड क्या करना है आपको, फाइंड करना है यहाँ पे, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए, साइन ए की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, क्या साइन ए, ये आपका क्या था ट्रेंगल साइन ए, तो ए आपका कौन सा होगा, ये वाला, करेक्ट। चलो इसके बाद फाइंड करना है आपको साइन ए, क्या बेटा साइन ए, पहले देखिए साइन ए एंगल ए कहाँ पे है, जहाँ पे जिस रेखा पे टिका हुआ है वो आपकी हो जाएगी बेस, और इस एंगल के सामने वाली रेखा हो जाएगी आपकी परपेंडिकुलर, और 90 के सामने वाली रेखा हो जाएगी आपकी हाइपोटेनस। हाइपोटेनस इतनी बात समझ में आई, कोई कन्फ्यूजन नो, करेक्ट। ठीक है, साइन ए, साइन होता क्या है अपना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। तो बेटा बताइए परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पे क्या है, आप बोलेंगे 4, परपेंडिकुलर की वैल्यू है आपकी 4 और हाइपो की वैल्यू है आपकी 5, परपेंडिकुलर की वैल्यू है 4 और हाइपो की वैल्यू आपकी 5, ऑप्शन नंबर 4/5 कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट। अब बेटा ये सब आपका बिल्कुल बेसिक था, ओरिजिन था, अगर ये नहीं पता है आपको तो समझो आगे आने वाले क्वेश्चन में आपको बहुत ही समय लगेगा सॉल्व करने के लिए। मैं फिर से आपको रिपीट कर दे रहा हूँ कि बेटा यहाँ पे आपको इन ट्रिपलेट्स को याद करके रखना ही है, हाँ स्टडी टेबल पे चिपका दीजिए, और ट्रिग्नोमेट्री में बेटा आपको सारे कंसेप्ट पढ़ाएंगे, लेवल वाइज आपका कैटेगराइज बटा हुआ है, ठीक है, और क्वेश्चन का लेवल आप देखेंगे कहाँ से कहाँ पहुँचे, आपको ये महसूस ही नहीं होने देंगे कि आप किस लेवल पर आ गए, ठीक है। तो ये बेटा आपके ट्रिपलेट हैं जो कि इनको याद करना ही है आपको, करेक्ट। बाकी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, और ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए इस वीडियो को, फ्री में मिल रही है ना यूट्यूब के माध्यम से, आपको सारी क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में फ्री में मिल रही बेटा, तो लोगों तक पहुँचाने की मदद कीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आई होप मज़ा आया होगा पढ़ के ट्रिग्नोमेट्री का, ये तो केवल आपका फर्स्ट क्लास थी बेटा जो कि थी आपकी बेस क्लास, हाँ बेस अपना मजबूत हो जाए तो उसके बाद सीढ़ी चढ़ने में कठिनाई नहीं होती, क्योंकि बेस आपने बहुत अच्छे से बनाया हुआ है ना, करेक्ट। बाकी बैकअप प्रैक्टिस रिवीजन करते रहना, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टिल देन लव यू, टेक केयर।